नमस्कार दोस्तों, मैं सुजॉय चौरसिया दिल्ली से। हमारा ये वीडियो भारत की इकोनॉमी के ऊपर है। आपको सबको मालूम होगा कि COVID-19 पैंडेमिक के चलते हम लोग लॉकडाउन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकारों में हैं। कुछ ग्रीन जोन्स हैं जहां ये लॉकडाउन हटा दिया गया है, वरना दिल्ली और मुंबई जो कि भारत की इकोनॉमी की बैकबोन है, जहां औसतन दोनों शहरों की पॉपुलेशन मिला है, ग्रेटर मुंबई और दिल्ली NCR एरिया, तो लगभग 6-7 करोड़ की जनता हो जाती है। ये भारत की इकोनॉमी की बैकबोन है और यहाँ पे रेड जोन के बहुत सारी यातायात में बहुत सारी जगह है जो रेड जोन घोषित की गई है। इसके चलते इन दोनों शहरों की सरकारें इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की बात कर रही है। शायद 15 मई तक जाएगा या हो सकता है इससे ज्यादा जाए। मुंबई में तो एक खासतौर से और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। इसके चलते वो छोटा व्यापारी जो इन शहरों में बसा है या भारत के किसी भी कोने में बसा है और जिसकी इकोनॉमिक परिस्थिति काफी जर्जर हो चुकी है इस लॉकडाउन के कारण, उसके लिए भारत सरकार क्या सोच रही है, क्या कदम उठा रही है और क्या करने वाली है। मैं एक किस्सा सुनाऊंगा जोधपुर का, जो कि 18वीं सदी में हुआ था। ये किस्सा है वहां के महाराजा का। जब वहां पे बहुत भयंकर अकाल पड़ा था तो वहां के महाराज ने उम्मेद भवन पैलेस बनाने की ठान ली थी। यह इसलिए तो था ही कि उनके दिमाग में इसकी आइडिया काफी टाइम से थी, लेकिन यह एक मौका ऐसा भी था जब वहां के लोगों को रोजगार देके उनको भुखमरी से बचाया गया था। आज भारत सरकार ने हमारे करोड़ों मजदूरों को, जो कि वापस गांव जाना चाहते हैं, लॉकडाउन में फंसे हैं, क्वारंटीन में अलग अलग शहरों में अटके हुए हैं, खाने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन जो लोग उन मजदूरों को रोजगार देते थे, जो व्यापारी मीडियम स्मॉल और रेगुलर एंटरप्राइज से आते थे, उनके बारे में क्या भारत सरकार कुछ सोच रही है, या भारत सरकार के अंदर एक प्रकार से लॉबिंग या रस्साकशी चालू हो चुकी है किसको कितना मिलेगा। बड़े व्यापारियों को भारत सरकार ऑलरेडी अलग अलग किस्म की रियायतें दे चुकी है, लेकिन ये छोटा व्यापारी जिससे कि टैक्स का बहुत मोटा भुगतान होता है, ये जो नई व्यवस्था की गई है मोदी सरकार के तहत जिसे कहा जाता है GST, लेकिन अगर इन कमाऊ कूतों को भारत सरकार बचाने की कोशिश नहीं करेगी या वो विचारधारा भी नहीं है, इंटेंशन नहीं है, तो फिर भारत सरकार की खुद की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी। ये GST देने वाले कमाऊ कूत को अगर भारत सरकार बचाने का कोई विचार नहीं बना रही, या तो आइडियाज का अभाव है, देयर इज अ ह्यूज लैक ऑफ स्कोप ऑफ आइडियाज, और ऐसे में मैं नितिन गडकरी जी के कुछ सुझावों का भी जिक्र करूंगा, जिन्होंने कि अलग अलग इंडस्ट्री बताई गई है, ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज नहीं है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जिससे हमारा पेट्रोलियम का इंपोर्ट बच सकता है, या इंटरनल हम अपने वेस्ट से प्रोडक्टिव मटेरियल बना सकते हैं। क्या भारत सरकार इस प्रकार की परियोजना लाके इसको इंप्लीमेंट करने की नहीं सोच सकती है। वो MSME जिन्होंने कि पिछले 2 साल में औसतन अपना टर्नओवर कुछ लाख से लेकर 1-1.5 करोड़ या मैक्सिमम 2 करोड़ का है, और उन्होंने बिटवीन 1 लाख टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 लाख का GST भरा है, क्या भारत सरकार पिछले 2 साल की GST इन्हें रिफंड करने का नहीं सोच सकती है। भारत सरकार में ऐसा अभाव क्यों है कि वो व्यापारी जो कि एक मध्यम या छोटा व्यापारी है और जिसको आज पैसे की सख्त जरूरत है, उसके पास इतना तो है कि उसके पास छत है और खाने के लिए खाना पीना है, इतना है उसके पास, लेकिन इतना नहीं कि वो मई या जून के आगे अपने रहने की प्लानिंग कर सके। इसे सपोर्ट देने की सख्त जरूरत पड़ेगी, वरना यह तबका भी भिखारी बनने के और अग्रसर है। अगर भारत सरकार इन लोगों का ख्याल नहीं रखेगी तो यह वो सेगमेंट है जो कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, ये मुर्गी मर जाएगी, और GST का एक प्रावधान जो इनकी तरफ से आता था और भारत सरकार को अपनी आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स था, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस पे मैं यही बोलूंगा कि इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट, स्पेशली मोदी जी और उनके मिनिस्ट्री में कुछ दिग्गज नेता जैसे कि नितिन गडकरी जी की तरफ से मैं ये देखूंगा कि ऐसे सुझाव आए और एग्जीक्यूट किए जाएं जिससे कि यह बिजनेस सेगमेंट बचा रहे, वरना 2024 में किस प्रकार की सरकार आएगी ये बताना बड़ा मुश्किल है। धन्यवाद दोस्तों।